क्षणिक चैन आत्मायक नित्य छे आत्मानो अनुभव बस एक मात्र नित्य छे। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह के किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूते होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूते होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतींद्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है मैं चैतन्य ज्योति इस देह रूपी मिट्टी में और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी नहीं।
चैतन्य ज्योति की अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही चैतन्य महल में स्थित होकर राख की दीवार को पड़ोसन को अत्यंत दूर से देखता है। पड़ोसन से कोई उम्मीद नहीं, जिसने ये समझ लिया उसने अनित्य क्षणभंगुर ऐसे इस संसार को समझ लिया। राख की दीवार इस पड़ोसन से कोई उम्मीद नहीं, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में इतना अंतर है। अज्ञानी कहता है मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता क्योंकि उम्मीद से धोखा मिलता है। ज्ञानी की दृष्टि निराली है। ज्ञानी ये नहीं कहते हैं कि उम्मीद से धोखा मिलता है, ज्ञानी ये कहते हैं उम्मीद ही धोखा है। और ऐसा बोध क्षणभंगुरता का बोध, क्षणिक का बोध, अनित्य परिणामों से न्यारा ऐसा अपरिणामी चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही फिर इस पड़ोसन से कोई उम्मीद न रही, फिर इस राख की दीवार से कोई उम्मीद न रही। और जो किसी की न हुई वो मेरी क्या होगी? एक की न हुई, दो की न हुई, तीन की न हुई, चार की न हुई, ऐसा नहीं, अनंत सिद्धों की न हुई, क्योंकि अनंत सिद्ध उस राख की दीवार से पार होकर सिद्धालय में विराजमान हुए। राख की दीवार को साथ लेकर नहीं, ये दीवार किसी की भी न हुई। और जिस राख की दीवार ने अनंत सिद्धों के साथ भी साथ न निभाया, वो राख की दीवार मेरा साथ कैसे निभाएगी? जागृति प्रति समय जागृति, इस शरीर के परमाणुओं को तुम अत्यंत दूर से देखो और चैतन्य तत्व की निराली सत्ता को देखो, यही धर्म है। अनंत केवली अनंत ज्ञानियों के उपदेश का सार है। ये तो थोड़ी देर के लिए आते हैं मगर जो जागृत है वो ठोकर न खाएगा। जो जागृत है, जो समझदार है, वो ठोकर न खाएगा। दूर से नजदीक आते हुए तुम देखते तो हो किसी को कि ये आ रहे हैं,
आ रहे हैं ऐसा तुम देखते तो हो, मगर जैसे तुम पारदर्शक ऐसी वज्र की, ऐसी कांच की दीवार और उस दीवार के पीछे कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर आता हुआ देखो, तुम्हें लगेगा कि वह व्यक्ति आ रहा है, आ रहा है। मगर यदि तुम्हें समझ है कि कांच की ऐसी पारदर्शक दीवार बीच में है, वह व्यक्ति आ रहा है ऐसा दिख रहा है, मगर वो नहीं आ रहा है, मैं जहाँ हूँ वहाँ वह व्यक्ति नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दीवार ऐसी वज्र की न टूट सके ऐसी, वो व्यक्ति मेरी ओर नहीं आ रहा है। उसे आता हुआ देखोगे, फासला तो तय होता देखोगे कि आ रहा है, आ रहा है, मगर उस दीवार को, कांच की पारदर्शक वज्र की दीवार को जिसने देख लिया, उसे ये समझ आ गई कि वह व्यक्ति नहीं आ रहा है। बस वो फासला बना रहता है, कितना नज़दीक आएगा, कितना नज़दीक आएगा, वो मुझसे नज़दीक नहीं आ सकता। ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, दूर से देखते हो ना ऐसे ही, रोटी को आती हुई मैं देखता हूँ, सब्जी को आती हुई मैं देखता हूँ, हलवा पूरी को आता हुआ देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तब मैं ये देखता हूँ अकर्तावाद के, द्रव्य की स्वतंत्रता के, उस सिद्धांत की वज्र की कांच की पारदर्शक दीवार को, उस सिद्धांत की दीवार को देखता हूँ कि वह हलवा पूरी आ रहा है, आ रहा है, मगर नहीं प्रवेश करेगा, क्योंकि चैतन्य और पुद्गल के बीच में जो ये स्वतंत्रता की वज्र की दीवार, उस दीवार की प्रति समय जागृति, उस जागृति का नाम परम धर्म है, प्रति समय यह जागृति बनी रहे। हा फिर ऐसा ही है, यह स्वरूप प्रति समय जागृति ये बनी रहे। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति प्रति समय बनी रहे। चैतन्य 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 की ऐसी मस्ती, ऐसी दशा का प्रकट होना, अस्थि की मस्ती का प्रकट होना, कोई पराया कारण नहीं, कोई पर्याय कारण नहीं, ऐसी चैतन्य की सत्ता की मस्ती का आनंद, तब परम धर्म प्रकट हुआ। तब वह दशा प्रकट होती है, देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही, आत्मानुभूति होते ही, स्वरूप की अस्थि में तो मस्त है और देह होने पर भी देहातीत है, शरीर के परमाणु की ओर ध्यान ही नहीं जाता, ऐसी यह चैतन्य की मस्ती, ये तुम्हें समझ में आ सकती है, वरना मैं आज इस घड़ी तुमसे ये बोलता नहीं, ये समझ में आ सकता है,
कभी कभी तुम्हें आश्चर्य हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर की ओर ध्यान ही न जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात हमेशा याद रहे, जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, तब शरीर की ओर ध्यान जाता है। ये तुमने भी अनुभव किया होगा। मेरे वचनों को ऐसे ही मत मानना, अंतर में स्वयं के अनुभव के साथ में मिलान करना और फिर स्वीकार करना, ये मुसाफिर की पुकार। जब शरीर में वेदना हो तो ध्यान जाए, वेदना न हो तो ध्यान न जाए। सीधी सी बात है, पैर में जब कांटा चुभता है तब पैर की ओर ध्यान जाता है, वरना पैर की ओर सुबह से बैठे थे, पैर की ओर ध्यान ही नहीं जाता था, पैर की ओर ध्यान ही नहीं गया। जब कांटा चुभा तब पैर की ओर ध्यान गया। जब सिर में दर्द हो तब फिर सिर की ओर ध्यान जाता है, जब सिर में दर्द हो तब सिर की ओर ध्यान जाता है। सिरदर्दी नहीं हो तो सिर कितना याद आता है। मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर में जब पीड़ा होती है तब शरीर की ओर ध्यान जाता है, जब शरीर में पीड़ा नहीं होती, शरीर स्वस्थ हो, स्वस्थ होता है जब शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर की ओर ध्यान नहीं जाता। अब जरा विचार करो, जब शरीर स्वस्थ हो और शरीर की ओर ध्यान नहीं जाता, तो जब आत्मा इतना स्वस्थ हो गया हो तो शरीर की ओर ध्यान न जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आत्मा इतना स्वस्थ हो अर्थात स्व में मस्त हो, स्थित हो, तब शरीर की ओर ध्यान नहीं जाता। उसे ही कहते हैं देह होने पर चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ऐसा ये भगवान आत्मा हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की स्वस्थता के बारे में मैं तुमसे कहूं, कैसे स्वस्थ का अनुभव। शरीर के परमाणु की ओर ध्यान ही नहीं जाता। यहां तो पृथ्वी है, यहां पृथ्वी है, यही दुनिया है, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। मैं हाँ ऐसा मैं कहता हूँ, पूरी तरह से और गहराई में जाओ। गहराई में जाओ, परमाणुओं में तुम कहीं पर भी नहीं। और तब तुम पाओगे सिद्धों के साथ विराजमान होकर तुम इस पृथ्वी को देखते हो, ये
यही पृथ्वी, इसलिए इस शरीर को ही पृथ्वी कहा। भौगोलिक यात्रा नहीं होती कि यहां से सिद्धों के पास जा करके, ऐसा नहीं, मगर अनुभूति की यात्रा ऐसी होती है कि अनंत सिद्धों के साथ रहकर ऐसी पृथ्वी को देखता है। स्वरूप को प्रधानता देकर यदि तुम देखोगे तो फिर पृथ्वी में तुम कहीं पर भी नहीं। दुनिया का नक्शा तुम देखते हो ना, पृथ्वी के नक्शे में मिट्टी भी है, पानी भी है, समंदर है, और मिट्टी भी है। नक्शे में तुम्हें दो ऐसा दिखाई देगा, मिट्टी भी है, पानी भी है, और वहां हवा भी होती है, मगर वो नक्शे में नहीं आई। तुमने सुना है ना, घन, प्रवाही और वायु। पृथ्वी के नक्शे में वहां पर मिट्टी को तो बता दिया, ये मिट्टी, पानी भी बता दिया, मगर हवा को कैसे बताए? मगर वहां है, पृथ्वी है, मिट्टी है, वो घन है, पानी है, वो प्रवाही है, और हवा भी है, वायु है। जब वो पृथ्वी का नक्शा मैं देखता हूं, यह शरीर ही मुझे पृथ्वी दिखता है, यही पृथ्वी है, क्योंकि यहां पर शरीर के परमाणु है ना, ये शरीर के परमाणु, ये पृथ्वी के परमाणु, और अंदर पानी भी भरा है। आंख में से आंसू बहे, पेशाब बहे, खारा खारा जैसे सागर का पानी, आंसू का स्वाद भी खारा, मूत्र का स्वाद भी खारा, और समंदर का पानी भी खारा। ये परमाणु, ये पृथ्वी के परमाणु, अंदर ही पृथ्वी के मिट्टी है, और यहां पर ही सागर, खारा खारा सागर है। और सांस जो लेता हूं, ये हवा भी यहां उड़ती है, वायु भी है। ये श्वास और उच्छ्वास को शरीर का अंग कहा है, यही घन है, यही वायु, यही प्रवाही, यहां पर ही पृथ्वी है। मगर मैं पृथ्वी में नहीं, मैं तो सिद्धों के साथ विराजमान होकर इस पृथ्वी को देखता हूं। हाँ, ऐसी दशा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब चलो, बहुत ठहर लिया यहां, देह होने पर भी देहाती दशा, ऐसा चैतन्य की मस्ती में मस्त होकर जीवन जीना, फिर शरीर की ओर ध्यान न जाएगा। इसलिए तो परम कृपालु देव की वह दशा, देह होने पर देहाती दशा, शरीर को तड़पाया नहीं था, सताया नहीं था, आत्मा इतना स्वस्थ हुआ कि देह की ओर ध्यान ही नहीं गया। इसलिए तो कुछ त्यागा नहीं था, फिर भी त्याग हो गया था, क्योंकि त्यागने से त्याग नहीं होता, भोगने से त्याग होता है। त्यागने से त्याग
ये तो अज्ञानियों की कल्पना है। त्याग से त्याग नहीं होता, भोग से त्याग होता है। चैतन्य तत्व का ऐसा भोग हुआ कि वास्तव में त्याग हो गया, पता न चला। इसलिए त्याग से त्याग नहीं होता, भोग से त्याग हो जाता है। त्याग तो साथ साथ चला आता है, त्याग को लाना नहीं पड़ता, देह को सुखाना गलाना ये करना नहीं पड़ता। चैतन्य की मस्ती ऐसी हो कि त्याग हो गया, एक के साथ दूसरा आ जाता है। चैतन्य के भोग के साथ पर पदार्थ होगा, विकारों का त्याग सहज हो जाता है। वो साथ साथ ये घटना घटित होती है। भोग असली है, त्याग महत्वपूर्ण नहीं, भोग महत्वपूर्ण है। भोजन को छोड़ देना, पकवान को छोड़ देना, ये महत्वपूर्ण नहीं। चैतन्य को ऐसा भोगा कि पता ही न चला बाहर का। तो भोग जहां हो वहां त्याग होता है, लाना नहीं पड़ता। यदि मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, यदि मैं तुम्हें पुकारता हूं, आना मेरे पास तुम आना, जब मैं तुम्हें पुकारता हूं कि मेरे पास तुम आना, तब मैं तुम्हारी परछाह को आमंत्रण नहीं देता। जरूरत ही नहीं, तुम्हें आमंत्रण दिया परछाह साथ में आ जाएगी, परछाह को अलग से आमंत्रण नहीं देना पड़ता। ऐसे ही चैतन्य का भोग हुआ कि त्याग की परछाह तो साथ में ही आ जाती है। इसलिए तुम त्याग की ओर जोर मत देना। चैतन्य 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 ऐसा मस्ती, हे ज्ञान दीपक चैतन्य 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 ऐसी मस्ती। इसलिए तो परम कृपालु देव, देह होने पर देहाती कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी सब कुछ छूट गया। बैठा है ज्ञानी घर में, अगर वो घर में रह करके भी घर में ही है, पुद्गल के घर में रह करके भी चैतन्य के घर में वास करता है। इसलिए काश ऐसा, एक ज्ञान दीपक चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो, ऐसी मस्ती। इसलिए तो मुझे एक बात अभी स्मरण में आई, देह होने पर भी देहाती दशा,
चैतन्य 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 बोलने वाली भी पढ़ो सुन सुनने वाली भी पढ़ो सुन अनादि अनंत ऐसी विराट सत्ता में एक कुछ ही समय का ऐसे परमाणुओं का टकराना बस उसका सदुपयोग हो। इसलिए तो कुछ ज्ञान दीपकों ने आज मुझसे कहा था नहीं बोलने के लिए, फिर भी मैं बोलने के लिए आज बैठा और खास बैठा। फिर ये परमाणु टकराए तो भी तुम्हारे समझ में फिर नहीं आएगा, अभी टकरा ले। ये होठ के साथ होठ के परमाणु, जीभ के साथ तालु के परमाणु, ये टकरा ले कि कोई ध्वनि से किसी शब्द से तुम्हें वो समझ में आ सके जो शब्दों से पार है। जैसे ही शरीर अनजाना हुआ पड़ोस में कोई रहता था, चला गया, तुम रोते नहीं कि अरे मेरा व्यापार अटक गया, मेरे व्यापार का क्या होगा। पड़ोसी चला गया, फिर कोई नया पड़ोसी आया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे व्यापार का क्या होगा। मेरा व्यापार बाहर नहीं, अपने घर पर रह करके ही मैं व्यापार करता हूँ, जिसमें पड़ोसी है ही नहीं। फिर एक पड़ोसी गया, दूसरा पड़ोसी आया, व्यापार रुकेगा नहीं, व्यापार चलता ही रहता है। ज्ञान और दर्शन आत्मा का व्यापार है। ये अपने घर में ये व्यापार जानना देखना जानना देखना जानना देखना, ये व्यापार घर में होता है।
पड़ोसन के कारण ये व्यापार नहीं, ये शरीर के परमाणुओं के कारण मेरा व्यापार नहीं, मेरा जानना देखना नहीं। ऐसा ये स्वरूप जिसने समझ लिया उसने अस्ति की मस्ती को पा लिया। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। इसलिए तो यहां रह करके भी परम भोगी हुआ, षड दर्शन के बारे में तुमने सुना हो, चार वाक दर्शन है। चार वाक दर्शन कहता है भोगो, भोगो भोगो भोगो, त्याग मत करो। क्या पता जो मिला कल मिले या न मिले, भोगो। वरना तुमने जो मिला उसका उपयोग नहीं किया, भोगो। चार्वाक तो यहां तक कहते हैं ऋण लेकर कर्ज बाजार से घी खरीद कर लाना और खाओ पियो, घी को पियो, उधार भी लाकर के पियो, मौका मिला है उसे गवाओ, भोगो भोगो। चार्वाक दर्शन है, षड दर्शन में वो कहता है भोगो। वो त्याग की बात नहीं करता, वो कहता है सिर्फ भोगो भोगो। वो एक अति पर चला गया। और मैंने महाराज साहबों को पढ़ाया, मैं उनसे कहता कि आप दूसरी अति पर चले गए कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, त्यागो त्यागो, मगर भोग की बात ही नहीं करते। भोग की बात ही तुम नहीं करते। महाराज साहबों को मैं कहता था आप चार्वाक दर्शन के विरोधी है, ये बात सच है, क्योंकि आप भोगते नहीं, आप चार्वाक दर्शन के विरोधी है, मगर वितरागी परमात्मा ने जो मार्ग बताया उस मार्ग के साथ नहीं है, ये बात भी परम सत्य है। चार्वाक दर्शन के विपरीत तो है परम कृपालु देव के साथ नहीं है। परम कृपालु देव कहते हैं भोगो, भोग का भी कहते हैं और त्याग का भी कहते हैं। चैतन्य तत्व में ऐसी स्थिरता, ऐसी मस्ती, मस्ती को ऐसा भोगो कि सहज त्याग हो, और उसी का नाम देह होने पर देहाती दशा है। उसी का नाम कि चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर देहाती दशा प्रकट होती है। ऐसा इसलिए अंतर की डुबकी जो लगी बस वो परम भोग हुआ, अंतर में मस्त हुआ, इसलिए शरीर में इतनी जलन होती हो, ऐसा उठती नहीं हो, जबान ऊंची नहीं होती हो, तो बार बार ऐसा विकल्प आता हो कि हाथ से पकड़ करके ऊंची करके तालू के साथ में लगाओ और बोले ऐसा, तो शरीर की स्थिति ऐसी हो गई हो कि वो शरीर साथ न देता हो ऐसा। और दूसरी ओर क्या होता है वो सूक्ष्म रहस्य है कि एक और तो ये है कि शरीर की स्थिति ऐसी है और अंतर में चैतन्य तत्व का भोग, चैतन्य तत्व का भोग अंतर में, अंतर की दृष्टि से देखे तो भोग हो रहा है और बाहर की इसे शरीर के परमाणुओं को देखे तो त्याग हो गया। और ऐसा जो बस वो उड़ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा ऐसे, वो उड़ रहा है क्योंकि
उसे पंख आ गई। दोनों पंखों से वो उड़ता है, स्वरूप के भोग से और पर के त्याग से। ये दोनों पंखों से, एक पंख से पक्षी उड़ न सकेगा, ये दोनों होंगे, दोनों होंगे। स्वरूप की अस्थि का भोग और पर पदार्थों का, विकल्पों का त्याग। और उस समय ऐसा निश्चिंत हो होकर के ऐसे विचरण करता है, है, है। आहा, ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो थोड़ा समय आज मुझे भाव ऐसा आया कि तुम्हें अस्ति और नास्ति दोनों को साथ में रह करके उस मार्ग पर कैसे यात्रा होती है, इसके बारे में मैं तुमसे कुछ कहूँ। देह होने पर देहातीत दशा, इतना भी तुमने समय निकाला और सुना मुझे। 42 मिनट हुई, 42 मिनट और 42 सेकंड। मोक्ष मार्ग आज सुबह ही मुझे स्मरण में आया था, इसलिए आज की तारीख जैसे मैंने देखी ना, तो 16 तारीख 12वां महीना, 16-12, इसलिए आज मैंने 16 बजने का समय होता है घड़ी में, उसको 4 बजे कहते हैं, 4 बजे 16 बजने का, इसलिए आज 4 बजे आपको बुलाया। 16 बजे, 4 बजे और 16-12 का दिन और 16-12 घड़ी में एक बात मुझे स्मरण में आई। 16-12 माने शाम के 4:12 पर, तो 4:12 की बात तो वो एक और गई, मगर चौथे से लेके 12वां गुणस्थान, ऐसा जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये मोक्ष के मार्ग में कैसे 4 से लेकर के 12, फिर ऐसा उसका कनेक्शन है, ऐसा 16 तुम बच न सकोगे। अत्यंत विनयवान होकर एक क्षण के लिए भी यदि तुमने इस पुकार को सुना है ना, तुम बच न सकोगे। होगा ये अनुभव तुम्हें, होगा एक अंदर से तुम्हें एक हा का जो भाव आता है ना, भले मुंह से भी नहीं बोले, मगर अंदर से एक तुम्हें ऐसा एहसास हो कि वेवलेंथ मैच हो रही है। ये तो सच कहा, ये तो सच कहा, जब भी कहूं तब तुम्हें या ये तो सच कहा, बस अब वो अनुभूति भी दूर नहीं। और ये मेरी बात नहीं कह रहा,
यदि पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की पुकार सुनो या परम कृपालु देव की पुकार सुनो, किसी भी ज्ञानी की वाणी को सुना और सुनते समय अंदर से कि हाँ बात तो ऐसी ही है, ये हाँ का भाव जो आया, हाँ बात तो ऐसी ही है, बस अब वो अनुभूति होगी होगी और होगी होगी। होगी मारा भगवान, ये उछे आ चैतन्य 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 ऐसा है। चैतन्य का भोग करो, विभाव का त्याग करो, भोगो, प्रकाश को भोगो, अंधेरे को छोड़ो। ये अवसर मिला, बस तो प्रत्येक क्रिया देह की तुम्हें ऐसे लगे अंत तुम्हें एक समय के लिए भी विस्मृत न हो, अर्थात तुम्हारे अंतर में संस्कार में ऐसा दृढ़ हो गया हो, अंत अंत एक समय के लिए भी छूटे नहीं, अंतर में ऐसा ऐसा अंत। इसलिए इसलिए जब तुम मेरे लिए दवाई लेकर के आते हो या तुम मेरे लिए दवाई लगा देते हो, तबीयत खराब होती है, भोजन लेके आते, ये दवाई ले आ गई आ गई, हाश तुम्हें जब वो दवाई आ जाती आ गई कि हाश, ज्ञानी को उस समय अंत का एहसास है कि भले आ गई मगर वो जो मृत्यु, वो एक समय भी विस्मृति नहीं होती। और वो जो जागृति के साथ में फिर जो तुम दवाई लोगे, उस दवाई लेने में और पहले लेते थे उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। ऐसा ऐसा नहीं तो नहीं लोगे, मगर उससे तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, उससे तुम्हारा दृष्टि कोण बदल जाएगा। फिर सब उस समय जागृति एहसास तुम्हें होगा। उस समय बहुत एयर कंडीशन में बैठे हो तो ऐसा कभी हो कि बहुत ठंडा ठंडा है ना, वातावरण ठंडा हो गया, इतना वातावरण ठंडा हो गया हो, अब कोई आ नहीं रहा कि रिमोट कंट्रोल से एसी को बंद करे, तो इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड कि कोई बंद करे, कोई बोल भी नहीं सकता, अब करे क्या। मगर तब कोई आया, आ रहा है दूर से और एसी को अभी बंद नहीं किया, इतनी ठंड लग रही एसी को बंद नहीं किया, मगर बंद करने से पहले ही तुम्हें अंतर में पूरा होश हो कि बंद होगा तो भी वो जो शांति वो न मिलेगी, वो एहसास, वो जागृति, और उस जागृति के साथ में फिर तुम उस व्यक्ति को आता हुआ देखोगे, ये क्रिया करता हुआ देखोगे, उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। पहले कुछ आशा रहती थी ऐसी, और अभी ऐसा नहीं होगा, अब तुम जागृति ऐसे ही उल्टा कर लेना, बहुत गर्मी हो रही है और लाइट नहीं है, जब लाइट आ गई अब कब आए कब आए कब आए, मगर उस समय ये जागृति की आ भी जाए और इतना ठंडा हो जाए तो भी बाहर से तृप्ति न होगी, वो जागृति, वो एक बार विचार भी आया ना, विचार बस बीज बोया है तुमने, क्योंकि यहाँ तो इस पार्थी संसार में किसके पास समय है ये विचार करने का भी, इतने भोगों की तन्मयता में किसके पास समय है ये तत्व विचार करने के लिए भी, तो कम से कम ये तुम्हें विचार तो आया। इसलिए हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति बनी रहे, ऐसे ही चैतन्य का बीज, इसलिए तो बस भावना पाता हूँ, बस अभी तो भावना पाता हूँ।
इसलिए तो चैतन्य चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही अज्ञानियों से विपरीत दिशा पर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अज्ञानियों की यात्रा है देह की यात्रा है और ज्ञानी की यात्रा है चैतन्य की यात्रा है। अज्ञानी की यात्रा है ये रूपी की यात्रा है, ज्ञानी की यात्रा है अरूपी की यात्रा है, इसलिए दिशा बिल्कुल विपरीत है। अज्ञानी और ज्ञानी की दिशा बिल्कुल विपरीत है। इसलिए उल्टा एहसास होता है। जिसके प्रति अति 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 प्रीति का भाव हो ना, बुखार आया हो, बुखार बेटे को आया मगर दर्द माँ को इतना हो रहा है कि अरे उसे एहसास हो रहा है बेटा सांस ले रहा है। बचपन में भी बीमारी आ सकती है, सांस ले रहा है इतनी तेजी से, बेटे की धड़कन, उस बेटे की धड़कन में माँ को एहसास होता है, बेटे की धड़कन जैसे रुक गई कि माँ की धड़कन रुक गई। बेटे की धड़कन चल रही है तो ये मेरी धड़कन है, ऐसा ये मेरी धड़कन, बेटा जैसे सांस लेता हूं तो माँ को एहसास होता है ये तुम्हारी धड़कन, ये तुम्हारी नहीं ये मेरी धड़कन है। वो अति का भाव हुआ। अब उससे विपरीत तुम देखो कि जैसे बेटे की धड़कन में ऐसा भाव होता था, धड़क रहा था, हृदय धड़क रहा था मगर मेरा ही धड़क रहा है, मेरा ही धड़क रहा है ऐसा भाव था। उससे विपरीत ऐसा कि जैसे बेटा उसका हृदय धड़क रहा था तो लगता था कि मेरा हृदय धड़क रहा है, और अनुभूति होते ही अब यहाँ हृदय धड़क रहा है, सांसें चलती हैं तो हृदय धड़क रहा है, हृदय जब यहाँ धड़कता है तब लगता है किसी और का धड़क रहा है, पहले दूसरों का धड़कता था वो भी अपना लगता था, यहाँ जो अपना धड़कता है वो भी पराया लगने लगा, क्योंकि मेरी चैतन्य सत्ता ऐसा ही स्वरूप है भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्य की सत्ता हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य सत्ता ऐसी। एक समय भी उस भोग को छोड़ना मत, भोगी होना, परम भोगी होना,
देखना और सुनना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त इंद्रियों में ये देखना और सुनना शास्त्र को पढ़ते हैं वो देखने का कार्य हो और वाणी को सुनते हैं वो सुनने का कार्य हुआ। ये दोनों इंद्रिया चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय ये चैतन्य तत्व की अनुभूति से पूर्व ये दोनों इंद्रियों का देव और गुरु जिनको देखने का कार्य भी होता है और उन्हें सुनने का भी कार्य होता है, अर्थात हम देव को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। समोसरण में जीव भगवान को देखते भी थे और सुनते भी थे और दोनों निमित्त हो सकते हैं, भगवान के दर्शन भी और भगवान की वाणी भी अंतर की अनुभूति में निमित्त हो सकती है। ऐसे ही गुरु भावलिंगी संत वन विहारी संत ऐसे संत के दर्शन और उनकी वाणी भी सुनी, तो ऐसे देखना और सुनना, छूना नहीं, चखना नहीं, सूंघना नहीं, मगर ये दो दर्शन करना और सुनना। देव का दर्शन भी होता है और देव को सुनना भी होता है, गुरु के दर्शन भी होते हैं, गुरु को सुनना भी होता है, और शास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं उसे सुनते नहीं हैं, मगर कैसेट आज आ गई है हमारे पास शास्त्र की, कि गुरु भी न हो देव भी न हो तो सुनने का कार्य भी होता है। ये जो योग हमें प्राप्त हुआ है सम्यक दर्शन से पूर्व, ये दोनों इंद्रिया चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय महत्वपूर्ण निमित्त बनने वाली ऐसी ये इंद्रिय भावना पाते हैं वितरागी देव, गुरु का योग प्राप्त हो, भावलिंगी संत के दर्शन हो, भावलिंगी संत की पुकार सुने, ये मुझे इसलिए अभी स्मरण में आया कि मुझे ये स्मरण में आया, मैंने आपको आज 4 बजे बुलाया था ना, मेरी भावना थी कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठेंगे बस, फिर आप अपना काम करना, ऐसा 4 से लेकर 5 बजे तक, वो 4 से 5 का समय से 4-5 स्मरण में आए, चौथी इंद्री चक्षु इंद्री है, पांचवी इंद्री कर्ण इंद्री है, 4 से 5 का काम हो जाए ऐसा इसके लिए स्मरण में,
चौथी पांचवी इंद्री, चौथी पांचवी, चार से पांच, ऐसा कि उसका उपयोग करके तुम ऐसी दशा में पहुंच जाना। चंद भी आ गए चक्षु इंद्री में, कान भी आ गए कर्ण इंद्री में। आप तो विचार कहो बस मैं तो उसमें मन भी आ जाएगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप परमात्माओं का अत्यंत ऋण रहा। आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मुझे बोलने दिया। आप परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञान